पंचायत को संबोधित करने से पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टिकैत ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर धरने के साथ साथ और पंचायतों का दौर भी चलेगा, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश के किसानों का है। टिकैत ने सवाल भी उठाया कि बीजेपी के नेता गांव गांव में घूमकर लोगों से मिल रहे हैं, क्या वो लोगों के लिए अपनी पेंशन छोड़ेंगे? लोगों ने तो अपनी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी और जवानों ने अपनी पेंशन छोड़ दी। टिकैत ने कहा कि किसान अपने अपने ट्रैक्टरों में डीजल भरकर रखें, जल्द ही दिल्ली कूच हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान और सरकार के बीच की वार्तालाप का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, इससे पता चलेगा कि कौन जवाब नहीं देना चाहता। इन्होंने क्या कोई सत्ता थोड़ा मांग ली, इन्होंने बिल वापसी तो मांगे, इन्होंने कोई सत्ता वापसी की बात थोड़ा कर दी ना, यही रहेंगे हम, वही रहेंगे। 40 लाख ट्रैक्टर को इस आंदोलन से जोड़ेंगे, जो भी देश में ट्रैक्टर होगा उसको आंदोलन का हिस्सा बनाएंगे, खेती करने वाले को आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर, और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज़।